ऐसी बात सुनने को मिली उस टाइम पे कि मतलब क्या ही बोलती हूँ, क्या ही बोलूँ उनके लिए मैं। एक तो हम मतलब टूट बुरे चुके टाइम थे से गुजर बुरे रहे हैं टाइम में, बहुत ज्यादा और हमें वैसे दर्द लोगों की था। लेकिन उस टाइम पे लोगों की बातें, जितनी औरतें आती उतनी नई नई तरह की बातें, सबकी, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता कोई कुछ एक इंसान को बोलता। संभालने से तो जाते हैं, जब कुछ हो जाता है ना तो उसके ऊपर टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि उन पर क्या बीत। अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मीनू नागर, एक बार फिर से आप सबका हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सब? आज मुझे कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं दिखाना, स्पेशल आज आपसे बात करने का मन है। आज स्पेशली आपके लिए बैठे हैं आज हम, आपसे बातें करने के लिए। आपकी डिमांड थी कि दी शादी वाला व्लॉग लेके आओ, शादी की जर्नी बताओ, ये सब, तो आज स्पेशली आपके लिए हम बैठ गए हैं, मेरे बहुत सारे बहन आपसे हैं बातें करने के लिए। शादी से अब तक की जर्नी हम आप सबके साथ शेयर करेंगे, शेयर करते हैं। और यही सोच रहे थे कि कब जल्दी से आपके लिए ये ब्लॉग लेके आए, तो टाइम नहीं मिलता था हमको। करते हैं आपसे बातें। फर्स्ट आप मुझे जानते हो, ज़्यादातर जो नहीं जानते उनके लिए आज फिर से बता देती हूँ। मैं हूँ मीनू नागर और ये हैं दोनों मेरी सिस्टर। तो ये मनीषा नागर, बोलो भाई अपने बारे में कुछ। और ये मैं मनीषा नागर और ये नेहा नागर। गाइस मैं बड़ी हूँ और ये ये छोटी है, और तो ये बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा आप सब सब लोग पूछते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो ये हमारी बड़ी बहन है, मैं बीच वाली हूँ और ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी नेहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। हाँ जी, हाँ जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में हम, आपने तीनों सिस्टर देखी, और जो हमारे हस्बैंड है वो 6 भाई हैं, और हमारे तीनों के 7 बच्चे हैं, 2 2 बेटे हैं और 1 हमारी बेटी है, और हमारे ससुर जी हैं और 3 देवर हैं। 3 देवर है हमारे, तो टोटल हमारी फैमिली के जो मेंबर हैं वो 20 हैं। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, फैमिली है बहुत ही प्यारी सी। और हमारी मायके की फैमिली में मतलब हमारे 2 भाई हैं और हम 3 बहनें हैं। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, और हम तीनों बहनों की शादी हो गई और एक बड़ा भाई है, आप शायद देखते भी होंगे, नहीं जो नहीं जानते आज उनको भी बता देते। बड़े भाई को तो बहुत शौक है मतलब ऑन कैमरा वीडियो वगैरह बनाने का, सब कुछ करने का, लेकिन छोटे को नहीं, छोटा काम आता है, वो बहुत ही कम आता है, अगर जबरदस्ती बनाते हैं ना फोन छीन के वो डिलीट कर देता है, डिलीट कर देता है उसकी वीडियो, मतलब बहुत कम दिखती है। वो अपने अकाउंट पे भी यही करता है, वीडियो डालता है फिर काट देता है बाद में, तो वो बहुत कम पसंद करता है मतलब कैमरा। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये था कि आपकी शादी कब हुई? हुई तो हमारी शादी कब हुई ये जानना था आपको। हमारी शादी सन 2012 में हुई, 12 में हुई थी, और जनवरी को 16 जनवरी 2012 की स्टार्टिंग में हो गई थी हमारी शादी, तो 2012 में हुई थी हमारी शादी। लेकिन शादी का मतलब ये बताती हूँ कि कैसे हुई शादी, तो हो गई थी उस टाइम पे, हम बहुत छोटे थे, तीनों बहनें ही बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन हमारा रिश्ता जो था वो रहा 2 साल, 2 साल रहा ना, 2 साल हमारा रिश्ता, 2 साल पेंडिंग में। क्योंकि इधर से मतलब रिश्ते की बात होगी ऐसे ही होगी ना, हमारे पापा जी कहीं देखने के लिए गए थे ना ये वाले कहीं, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं थी, छोटे छोटे थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही एक बार पापा जी चले गए थे, उन्होंने मनीषा को देख लिया, कनेक्शन था, कनेक्शन था। हमारी जो चाची है तो उनकी मामी के भतीजे हैं ये जो हमारे हस्बैंड हैं, तो ये वाला रिलेशन था। तो ऐसे ही बात होगी, रिश्ता हो गया, कोई नहीं भाई कर देंगे शादी बाद में, आराम से करेंगे, छोटे हैं बच्चे, पापा जी ने बोल दिया अभी बच्चे बहुत छोटे हैं अभी शादी नहीं करेंगे, रिश्ता कर दिया था मतलब जैसे रोकते हैं जैसे। तो उस हमारी मतलब शादी की बात यहाँ से शुरुआत हुई। फिर कुछ साल बाद हमारी जो ये वाली मदर इन लॉ, हमारी सासू मम्मी, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब रहती थी, वो ऑलरेडी मतलब शादी से पहले ही, शादी से रिश्ते से जब हमारा रिश्ता हुआ तब भी वो मतलब बीमार ही रहती थी। हमें पता चला था कि वो बीमार रहती है, उनको कुछ मतलब तबीयत ज्यादा ही खराब रहती है, तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, और उनको मतलब बीमारी क्या थी कि उनको ना खूनों की उल्टी आती थी, ये बात। तो शादी तो तब तक होने का कोई वो नहीं था, तो 2 साल तो रिश्ता रुक गया था, तो तब एक बार उनकी जो तबीयत थोड़ी सी खराब होगी तो उन्हें लगा कि मैं मतलब मैं
हाँ वो थोड़ी इमोशनल हो गई और कि मैं अपने बच्चों को वो आ जाएंगी तो शायद मैं उन्हें समझा पाऊंगी, बोल रही है मतलब उस टाइम पे कि मैं अपने बच्चे ने समझा के जाऊंगी किसके क्या लेना है किसके क्या देना है। बोल देता है ऐसी बात तो फिर कितना ज्यादा, तो उस टाइम पे इस बात को कोई नहीं था। तो मम्मी ने बोला, एक बार वो बीमार भी हो गई थी, उन्हें बोला था कि मीनू मुझसे मिलवा दो, मतलब एक बार दादरी लेके आओ। तो उसके लिए वहाँ पे हम, आपको पता ही गुर्जर फैमिली है से हम बिलोंग करते हैं, तो ऐसे आने का कोई मतलब भी नहीं था। तो उन्होंने कई बार बोला, एक बार वो हमें देखने के लिए भी गई थी वहीं पे हमसे मिलने के लिए। तो फिर यही रहा कि मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी यहाँ पे, मतलब सिस्टर तो मेरे जो हस्बैंड है, हमारे हस्बैंड जो है, सिस्टर तो उनके है नहीं। तो वैसे तो वो खुद भी बहुत हेल्प करवा देते थे मम्मी की, हाँ। पर वो बात नहीं होती है ना, लड़की तो अलग ही संभाल ले घर को काम, बेटी ही होती है तो भी अपने घर को अलग ही संभाल लेती है। लेकिन यहाँ पे छह सपूत हमारी माता जी के, लेकिन अपनी मम्मी की जितनी हेल्प होती थी वो करते थे अपनी मम्मी की हेल्प, लेकिन जो लड़की होती है लड़की सारे घर को काम संभाल लेती है। यही है, जब उनकी तबीयत खराब रहती थी आधी बार खाना बनता था, कोई बना के जाता था कोई नहीं, ये उनका चलता रहता था। छोटे छोटे बच्चे थे, संभालती थी कैसे भी करती थी अपने बच्चों का, तो तुम्हें पता ही है करना ही था। तो फिर इसीलिए शादी के लिए उन्होंने जो जबरदस्ती इधर से कहा गया कि भाई शादी की मतलब बात करो, तो अब शादी तो करनी थी, फिर कोई नहीं, फिर हमारी शादी। पापा मम्मी को भी ऐसे लगने लगा जब तबीयत खराब है, तबीयत खराब है तो कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। पापा बोलने लगे चलो ठीक है, फिर बातें करेगी, मतलब नेहा और मनीषा को हम गौण ऑन करें, जैसे गौण हमारी मम्मी ने कुछ टाइम बाद भेजेंगे, तो बड़ी वाली को भेज देंगे, इन्हें छोटी वाली ने ना भेजा। नेहा और मनीषा मतलब शादी के कुछ साल बाद हम रख लेंगे और मीनू को भेज देंगे, क्योंकि एज बहुत कम थी उस टाइम पे, 16-17 हमारे दीदी की थी, तो आप लगा सकते हो हम दोनों की एज कितनी होगी। 16-17 के आसपास मेरी एज थी जब शादी हुई थी, और मनीषा की 14-15 के आसपास थी, और नेहा की 12-13 अपराध है। नेहा की शादी में जो है ना, जब शादी हुई थी तो पुनीत को बग्गी पे भी नहीं बिठाया, कभी डांस करते हुए आए डीजे पे, वो अपने भाइयों की शादी में फुल एंजॉय किया, नेहा ने भी एंजॉय किया, मैं तो भाई पुनीत ने भी, पता जब मैं रो रही ना पापा मेरे से कह रहे कि तू यूं मत सोच तेरी शादी हो रही है, यूं सोच मैं अपनी बहनों की शादी, मैं वैसे भी बिल्कुल नहीं भेजूंगा, 4 साल तो मुझे तो भेजनी नहीं बिल्कुल। और उस टाइम पे इनकी शादी हुई थी दोनों की, हमें इतनी समझ नहीं थी, इसको तो बिल्कुल समझ नहीं थी शादी का कोई मतलब नहीं था। चलो लगन वाले दिन ना दीदी दोनों रो रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कोई रस्म हो रहा है कि ये क्यों रो रही है, मैंने देख रही मुझे तो रोना ना आ रहा, पर ये क्यों रो रही है। देख लो इसकी बात सुन लो आप, ये जब भी ऐसी थी आज भी ऐसी है। तो फन तो हुआ, फिर उसके बाद भी ये हुआ कि हमारी शादी होगी 2012 में। हमारे जो हस्बैंड है ये नहीं कि वो हमसे बहुत बड़े थे, और हमारी मतलब सेम थी, कोई जॉब थी ना कुछ था, बस हमारे पापा जी की जॉब थी वो करते थे, हम सब पढ़ाई कर रहे थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे, और उस टाइम पे हम भी और वो भी हम सब पढ़ाई कर रहे थे, सेम हमारी क्लास। दीदी भी 10th में, भाई साहब भी 10th में, मनीषा दीदी 8th में, भाई साहब भी 8th में, उस टाइम पे मैं 4th में, तो वो भी 4th में। फिर हमारी शादी हुई, पापा जी ने बोला कि मुझे कुछ ना चाहिए, ना मुझे धन दौलत चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। इधर वाले पापा जी ने भी ये बोल दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें बच्चे चाहिए। और हमारे पापा जी ने भी कही मैं कभी ऐसा नहीं देखूंगा कि मतलब एज में मेरी बेटी से बहुत ज्यादा बड़ी, मैं ये नहीं देखूंगा कि कोई सरकारी नौकरी वाला मेरी बेटी ने मिला है, ना मैं ये देखूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा धन दौलत, ये होना चाहिए मेरे बच्चे, इनके मेल के बच्चे होने चाहिए हमेशा, तो ये मेरे मम्मी और पापा ने सोचा, हमारी फैमिली ने ये सोचा कि हमारे बच्चे जिस तरीके की हम उसी तरीके के इनके साथ के मेल के बच्चे ढूंढेंगे। तो वो उस पर पापा जी रहे, ना इधर से कोई जोर था, ना दहेज दान किसी चीज़ का, बाकी पापा जी ने सब चीज़ दी उस टाइम पे, लेकिन कभी इस चीज़ का कोई दबाव नहीं था। शादी हो गई थी हमारी 2012 में, फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मनीषा को, मनीषा आई शादी के 2 साल बाद और नेहा आई पूरे 4 साल बाद। हाँ, बीच में एक बार मैं आ गई थी, जैसे हमारी जो चाचा की लड़की की शादी थी ना, हाँ। तो उसमें आई थी 8 दिन के लिए, ऐसे मैं आ जाती थी, मतलब मम्मी के पास मैं भी कुछ दिन रही, मैंने भी मतलब देखा वो। तो फिर तो क्या हुआ कि मतलब फिर यहाँ पे आने के बाद
तो मम्मी के साथ रहना सेम बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत प्यार से रह रहे थे, सासू बहू की जोड़ी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत प्यार करती थी और वो हम सब बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिस टाइम मैं आई थी ना, मुझे तो गोदी में से नहीं उतारे थे, गोदी में बैठाए रखी, और जैसे मुंह देखने वाली आ रही ना, वो कह रही तेरी कमर दुख जाएगी तू बेड पे लौट जा, और अपने पास से सुलाई में। मुझे भी मतलब कुछ ऐसी बातें याद है जो मतलब मैं दूध नहीं पीती, घी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो क्या करती थी शाम के टाइम, मतलब भाई पुनीत और वे मुझे पकड़ के और दूध पिलाई करें जबरदस्ती करेगा, मतलब दूध ना पिएगी तो जूस पिएगी, क्या खाएगी, जैसे दोपहर के टाइम जाएगी तो क्या खाओगी, सब ये स्कूल चले जाते तो बता क्या लेके आओ, दीदी से मुझसे पूछती थी बताओ क्या खाओगी, फिर खुद जाती थी शॉप पे, कभी नमकीन कभी कुछ कभी चने चाहिए, और हम सास बहन खूब इंजॉय करते थे बैठ के, खूब मजे करते थे, खूब इंजॉय करते थे। उस टाइम की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कोई मतलब ये नहीं था, मम्मी बीमार रहती थी तीसरे चौथे दिन, मम्मी उल्टी तबीयत खराब रहती थी, तो खराब रहती थी, ट्रीटमेंट भी चल रहा था कंटिन्यू, दवाइयां चल रही, पर ऐसा कभी नहीं था कि वो मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, कभी भी ऐसा हमने सोचा ही नहीं कि बीमार रहती है, बहुत दिन से रहती थी, मतलब वो काफी छोटे छोटे थे हमारे हस्बैंड जब से वो बीमार रह रही, जब हमारे हस्बैंड इतने छोटे थे तो जो छोटे दो देवर है वो काफी ज्यादा छोटे, वो कितने छोटे थे, 6-7 से 8 साल के करीब हिमांशु की एज होगी उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा छोटे थे। हिमांशु की जब हमारी शादी होगी थी तो हाँ इतनी थी, हाँ इतनी इसके आसपास, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है हिमांशु, और सेकंड थर्ड में तरुण, मतलब इसी तरह से वो भी बहुत ज़्यादा छोटे थे हमारे देवर, और 6 बेटे हुए बेटी के चक्कर में, क्योंकि हमारे ससुर जो हैं उनको मतलब बेटी चाहिए थी, और हमारी सासू बहुत पसंद है, क्योंकि बेट और जिस घर में बेटियों की जैसे ज़्यादा डिमांड होती है ना कि बेटियाँ होनी चाहिए, उस घर में मतलब बेटी देता ही नहीं बताने की, तो मेरी जो सासू मॉम थी और जो हमारी मतलब पापा जी, मतलब इनको मतलब बेटी चाहिए होती थी, फिर जब हम आ गए तीनों बहन की, हाँ हमने तो बेटा देकर बेटी ले ली, वो वाली बात होगी, तो ये तो अब मेरी यही बेटी है, इन्हीं से ही मुझे वो प्यार करना है जो मैं मतलब बेटी से करते हैं, सो हमारी मम्मी हमसे इतना प्यार कर रही बहुत ज़्यादा, फिर कुछ मतलब बाद कुणाल मतलब कुणाल रह गया, 27 दिन का हुआ, तो उन्होंने उस टाइम पे इतना अच्छा पड़ी रहती थी, मिट्टी नहीं खाना, चने खा ले, चबेन ही खा ले, सेब खा ले, मिट्टी कैसे ना खाऊं, मुझे तो मिट्टी खानी थी, पर थोड़ा थोड़ा ये हमारा चलता रहता था उस टाइम पे, ये नहीं पता था कि इधर पोता आएगा और इधर मम्मी हमें छोड़ के चली जाएंगी, इस टाइम वो टाइम हमारे लिए बहुत मतलब मैं आप बता नहीं पा रही हूँ, आज मैं बता रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा कि मैं वो फील कर रही हूँ उस टाइम वाली बातें। शादी तब कुणाल हुआ, शादी के मतलब 1.5 साल बाद हुआ, तो कुणाल मतलब साथिया वगैरह रखवाए गए, पूरी फैमिली मतलब बहुत खुश थे एक साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुणाल अपने पास लुटाई कर रही, सुलाई कर रही, इतना प्यार कर रही, कह रही तुमसे किसी से प्यार ना करो जितना मुझसे प्यार करेगा, मैं तो अपने पोते की उंगली पकड़ के बाहर निकल जा करूंगी, करती रह करिए जो तुम्हें काम करना, मैं अपने पोते घुमाऊंगी फिर हम, आज आप आज मेरी बात अगर मैं अपने बच्चों को लेकर सोचती हूँ ना तो ये मुझे फील होता है दादी की बात जो है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई, बात कुछ ऐसी आ गई है तो मैं रोना नहीं चाह रही हूँ बताना, मतलब जो कोई बात बता रही हूँ उसकी वजह से ये हो रहा है मेरे साथ, जब किसी बच्चे को दादी पोते वाली फीलिंग में देखती हूँ ना मुझे बहुत इस बात को देखकर रोना आ जाता है कि हमारे बच्चों को ये प्यार नहीं, ये प्यार हमारे बच्चों जो को वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा, और बच्चे कभी कभी ये पूछते हैं हमसे कि मम्मी हमारी दादी थी, हमारी ऐसी दादी है जैसी सबके घर पे दादी होती है, इस चीज का हमारे बच्चे बहुत फील करते हैं, बुआ का और दादी का तो बुआ भी नहीं थी, और एक दादी और बुआ वाला प्यार जो हमारे बच्चे मिस करते हैं, कोई नहीं। फिर 27 दिन का हुआ कुणाल, अपने पास सुलाना, उसे नहलाना धुलाना सारा कुछ उनका, हाँ वो बीमार रहती थी इस बात का, वो तो बीमारी उनको कुछ नहीं थी, जैसे उन्हें उल्टी हुई बस, उन्हें क्या था उल्टी मतलब ब्लड जाता था, खूनों की उल्टी होती थी, जैसे कुछ खाना भी खाया ना, खाना खाने के बाद ना तो कुछ भी मतलब जैसे रोटी आ जाती है उल्टी में, कुछ नहीं खाली खून उल्टी में आते थे उस टाइम, खून के गिल्ट आते थे। हमारे फादर इन लॉ हमारे पापा जी ने बहुत ज्यादा इलाज करवाया सब तरह से, ये नहीं कि कहीं दिखाया नहीं, उनके परहेज ही चलते रहते थे हमेशा, तो
कुआ पूजन हो गया, सारी चीज़ हो गई, इतनी खुश थे, सब चीज़ हुआ, सब आए रिश्तेदार, बहुत बड़ा जश्न मनाया, भाई बेटा हुआ है, पहला था पोता घर में, खूब लाड़ करा। 27 दिन का हुआ था उस दिन। सच लगी तू कुछ काम मत करियो, मम्मी कहने लगी पर लेकिन तू दही देवता ने नहवा दे, मुझे लेके गई दही देवता नहवा दिए उन्होंने, क्यों श्राद्ध की वजह से कि फिर श्राद्धों में तू फिर ना कर पाएगी कुछ भी, तो मैं भी उस टाइम वो करवा दिया मुझसे। 27 दिन का लाला है मेरा उस दिन, बाहर बैठे कोई दिक्कत नहीं, पास पहुँचे उन्हें डॉक्टर के, यहाँ से उन्हें डॉक्टर के लेके गए, हमारे पास में यहीं पर एक दयावती हॉस्पिटल है उसमें लेके गए। तो उस टाइम पे यही था कि जैसे हम वैसे डॉक्टर के जाती हैं ठीक होके आ जाएंगे, हम वेट कर रहे थे बैठ कर कि मतलब कब आएंगे ठीक है वो आ जाएंगी ठीक है। रात भर, उस दिन की रात की बात बताती हूँ आपको क्या हुआ, मतलब मैं जच्चाई मम्मी के पास थी मेरी खाटी, तो पता नन्ना तो खुद सोई ना मुझे सुन लिया, बेटा तू ही बड़ी है घर में, तू ही समझदार है, तू ही है सब कुछ, पूरी रात पूरी बातें समझाई, बात करते रहे हम माँ बेटी, ऐसे बात होगा खुद है कि मतलब तू इसे सारी बातें बता दे कि बेटा कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने मेरे साथ अच्छा करा है किसने मेरे साथ बुरा करा है, हमारी रिश्तेदारी में कौन कैसा है किसके साथ कैसे रहना है, और ये मुझे हमें बता दी जो उन्होंने समझा दिया, शायद वो हम ना समझ पाते, बेटा ये है वो है, मुझसे पूरी रात बतलाई, मेरी मम्मी आप सो जाओ आप बहुत ज्यादा परेशान हो रही, कह रही कुछ ना तुझे नींद आ रही है, मेरी नींद तो ना आ रही मुझे पर आप मुझे लग रही हो बहुत ज्यादा परेशान है, हम माँ बेटी ऐसे बतलाई पूरी रात, ना पता है क्यों रात ऐसी आएगी कि अगली रात ही ना आएगी फिर ऐसी कभी, हम माँ बेटी को हम बहुत फ्रेंकली रहते थे सासू बहू बहुत ज्यादा, ये आ गई थी कुणाल हुआ था जब आई थी, नेहा नहीं आई थी, नेहा की तो फोन में सब जैसे खुश थे, 1.5 साल खुश रहे शादी के बाद, फिर कुछ समय ऐसा आ गया कि सभी हमारे जो हस्बैंड है हमारे देवर है हम अलग अलग कमरे में जाकर रोते, एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते, मैं सभी को संभालती, मैं और मनीषा हम दोनों बहन इनको सभी को चुप कराते संभालते, ऐसे नहीं है कोई बात नहीं है, मतलब कभी भी कोई सभी रोल लगे रहे कहीं भी जा जाकर चुप चुप कर रोक रहे, कोई डांटने वाला नहीं है कोई समझाने वाला ना है, मतलब ऐसा फील होने लगा, मतलब कभी मैं सुबह को जैसे उठती थी तो ज़्यादा डायरेक्टली भाई बच्चे थे छोटे थे ना इतना नॉलेज नहीं थी, मेकअप कर लो पहले उठ के नहा लो मेकअप कर लो, तो मैं नहा धो ली उस दिन मैंने मेकअप नहीं किया, तो मुझे डांटने लगी बोल रही बेटा मतलब क्यों नहीं लगाया तूने मेकअप, सामान नहीं है, उन्हें ये लगता था उन्हें हमारे लिए मेकअप का सामान लाना और हमें मेकअप में देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता, नई नई तरह की चूड़ियाँ नई नई तरह की जूती, जैसे रोज साड़ी पहने करो बेटा रोज ये पहनो वो पहनो, दूंगी तुम्हें तुम पहनो, तुम्हें क्या टेंशन है तुम्हारे बाप लाने वाला है मैं पहनाने वाली हूँ तुम्हें पहनो तुम, उस टाइम पे यही चल रहा सब कुछ खत्म से हो गया, फिर कोई नहीं आई बहुत सारी बहुत कुछ ऐसी ऐसी बात सुनने को मिली उस टाइम पे कि मतलब क्या ही बोलती क्या ही बोलूं उनके लिए मैं, एक तो हम मतलब टूट चुके थे बुरे टाइम में बहुत ज्यादा, हमें लोगों की बातें लेकिन उस टाइम पे लोगों की बातें जितनी औरतें आती उतनी नई नई तरह की बातें सबकी, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, एक इंसान को संभालने से तो जाते हैं जब कुछ हो जाता है ना तो उसके ऊपर टोंट मारना शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि उन पर क्या बीत रही है, उस टाइम पे आप बताइए क्या थी बच्चा मतलब वो बेटा हो गया सब कुछ, फिर घर पे आना यही बातें बोलना कि मतलब भाभी किसी की सगी ना होती भाभी तो बीमार बन सकती, हमने उस टाइम हम ये फील कर रहे थे अंदर अंदर कि ये क्या कह रही है, और हम मतलब किस सिचुएशन में थे उस टाइम, हमारी सिचुएशन किसी ने उस टाइम पे नहीं समझी, कोई हमें ये समझाने वाला नहीं था, हमारे सिर पे हाथ रख के कि बेटा तुम किसने खाई मैं तुम्हारे साथ हूँ या हम तुम्हारे साथ है, उस टाइम पे मात्र एक हमारे पापा हमारे ससुर जिन्होंने उस टाइम पे हमें संभाला सभी को संभाला सभी को समझाया, हमारे सिर पे हाथ रखा कि बेटा मैं हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ मैं तुम्हारे बाप हूँ, आज भी वो यही बात कहते हैं कभी कोई बात हो जाती है ना, मैं तुम्हारा माँ हूँ मुझे ही माँ समझो मुझे ही पिता समझो अपना मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए, उस टाइम मतलब यही था, हम पापा जी से बोलते थे पर्दा करते थे लेकिन पर्दा का भी हमारे घर में कोई वो नहीं था कि हमें पर्दा करना ही, लेकिन ये हमारे संस्कार है और हमारे मायके की तरफ से थोड़ा सा ये था कि बेटा बोलो लेकिन पर्दा में से बोलो, ये हमारे पापा जी का उधर से वो हुआ कि बेटा मम्मी के सामने बोले तो अच्छा ही हुआ कि मम्मी नहीं है, तो अगर उन्हें कुछ चीज चाहिए या वो कुछ मंगा रही है तो वो हमसे खुद से बोल देते, हम थोड़ा पर्दा रखते हैं उनसे, कहते हैं ना आंखों की शर्म होती है बस
उस टाइम पे बच्चे भी नहीं थे, बच्चे तो उस टाइम पे सबको मतलब ये लग रहा था कि मतलब इनकी तो सांस लेने पे क्या ही बीतरी होगी, बीत तो उन बच्चों पे रही है, बट ये नहीं पता कि हम पे उस टाइम क्या तो माँ जैसा प्यार करते, हम तो माँ जैसा प्यार करते हैं। ये सबको ही ऐसा लगता है, मतलब बाहर की लेडीज बात बनाने लगती है, सास ही सास का किसे ही दुख होता है, और उनका तो हमें पता नहीं, पर हमारे लिए सास माँ थी, माँ थी हमारे लिए। और हम कभी ऐसा सोच ही नहीं था कि ऐसे, क्योंकि उस टाइम जब बेटी जितना प्यार करा उन्होंने हमें अपनी बेटी समझा, तो हमने उन्हें अपनी माँ समझा, उसी तरह का हमारा प्यार था सासू बहू का, हम उसी तरह से प्यार से रहते, हर चीज खाते पीते मस्ती करते हर चीज में, ये बात किसी को नहीं पता, बस लोगों को तो मौका चाहिए था बात बनाने का, सो उन्हें मिला वो मौका। होते चलते कुछ नहीं, हमारे देवर छोटे छोटे थे बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया जब वो सो जाते थे ना, तो मैं और मई साहब उन्हें ऐसे बैठा के अपने एक हाथ पीछे लगा के उसे सोते सोते को उनको दूध पिलाया हमने अपने हाथों से। ये बात आज भी हमें मतलब जब वे सो जाते थे ना, सो गए अरे भूखे सो, मतलब ऐसे रोटी खा ली, रोटी तो खा ली, दूध का टाइम जैसे 8 बजे दूध पीते हैं, तो उससे पहले अगर वे सो जाते थे ना तो हम उन्हें अपने हाथों से बैठा के ऐसे दूध पिलाते थे। हिमांशु और तरुण अब तो अब आप देख सकते हो कि कैसे हो रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें हमेशा भाभी माँ बना के रखा, भाभी माँ वाला प्यार। मैं आज लोग कैसा कैसा मजाक करते हैं, सब करते हैं भाभी से, आज तक हमारे कोई मेरे मजाक करते हैं, हमारे कोई से देवर कोई से इतनी हिम्मत नहीं है कोई से की भी जो हमारे सामने ऐसे बात कर जा हमसे माँ वाला। और वो दो जाए ना छोटे छोटे हिमांशु आशीर्वाद लेके जब जावे पेपर देने कहीं भी जाए, अगर उसे मैं ना मिलूंगी ना घर में तो इनसे पूछेगा बड़ी भाभी कौन, बड़ी भाभी कौन, पेपर था अभी उसका दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस का, अभी कई दिन की बात होगी, तभी मैं ना दिखी भाभी मैं आप ही के लिए रुका है, मैं हवन में चली गई थी उस दिन मंदिर कलश यात्रा में, भाभी मैं आप ही के लिए रुका था, आपने भी मुझे आप आई नहीं। तो उसका ये है कि अगर मैं उसे घर में ना मिलती ना तो वो कहीं नहीं जाए, जो पब्लिक ने बातें बनाई हमारे लिए इसलिए बता रहे आज हम आपसे ये बातें कर रहे हैं। तो उसमें हमारे लिए जब हम उन्हें खाना दे रहे सब कुछ है, उसमें इतनी सारी बातें बनी कि वो रोटी नहीं देती, हमारे देवरों को भड़काया जा रहा है हमारे खिलाफ कि तुम्हें रोटी ना अलग गली में कहीं खेलने जा रहा है, तरुण तो उसे पकड़ के अपने घर ले गए, भाभी रोटी देती है बेचारे की, तेरी भाभी रोटी दे दे तुझे, आजा रोटी खा ले, आजा दूध पी ले, ना मैं खा ले, तेरी भाभी दे दे तो रोटी, और वही हमें घर आके लड़ती है तुमसे उन्हीं के बारे में, क्या ऐसे करती है। फिर अगर उसने नहीं कहा कुछ भी तो फिर ये बात फैलानी एक दूसरे से, औरतों की आदत होती है, वो बता रहा है वो तो ये कह रहा है कि बासी रोटी दे रहे हैं, रोटी ना बनाती, मार रहे हैं हमें, मतलब ये बातें जो टीवी सीरियल में होती है ये बातें हमारे साथ कंटिन्यू हो गई, शुरू हो गई, हम पर टोन मारने शुरू कर दिए कि मतलब अपने देवरों के साथ बुरा बर्ताव करती हैं, खाना नहीं देती हैं, जबकि कहीं से कहीं तक भी हमारे हस्बैंड और हमारे ससुर को ये बात पता नहीं होगी, बाहर वाली औरतों को ये बात पता चल गई हम उन्हें रोटी नहीं दे रहे, लेकिन घर वालों को ये बात पता। और एक बात बताओ मुझे, तो सुनो मुझे ये लग रहा है, मैं दीदी को बोल रही दीदी कह रही तो चुप रहे कोई बात ना बन के, दीदी एक बात बताओ अगर हम बासी रोटी दे रहे पर बासी रोटी ने भी तो हम बनाते ही होंगे, मतलब हम सुबह को तो हम इतनी सारी रोटी बना लेंगे ठीक है, और फिर उन्हें रात को देंगे ठीक है, रात को बना के रख देंगे फिर उन्हें सुबह को देंगे, फिर क्यों बनाएंगे भाई, हम दोनों टाइम तो फिर भी बनानी है, लेकिन वो तो फिर बासी मतलब क्यों दे वो जो हमारे देवर थे वो जो उनसे कोई भी मतलब ये सवाल पूछता था ये बात उनसे कर ली ना, वे कहीं गए और उनसे किसी ने ये बात पूछी, वो हमसे आके बताते भाभी वो फलानी ऐसा कह रही, आंटी ये कह रही थी, वो आंटी ये कह रही थी, वो चाची ये कह रही थी कि तुम्हारी भाभी तुम्हें रोटी दे दे या ना देती टाइम सू, या तुम्हें ऐसे कैसे रखे, मैंने कि फिर तूने क्या, मैंने तो कह दी हमारी भाभी तो बहुत अच्छी है हमें तो रोटी दे हैं ये करें, तो उनको ये रहता था। आज भी कोई भी बात हो जाती है जैसे बाहर कुणाल तनिष को स्कूल भेजते हैं लंच पैक करते हैं, उस टाइम पे बहुत छोटे थे और तो खुद रेडी करना, खुद उनका लंच पैक करना और मतलब सब कुछ करना, जैसा सब भी कुछ करते थे, फिर पब्लिक को तो बात बनाने का मौका चाहिए, तो सब जैसे फील कर रहे हैं ना कि मतलब सास होनी चाहिए ना होनी चाहिए, भाई हम तो बहुत ज्यादा यार हम मिस करते हैं अपनी सास को, हर कोई सास होनी चाहिए नहीं, अगर अगर अपनी सास है तो
अगर वो कह भी रही है ना, अगर हमें किसी बात के लिए रोक टोक भी रही है ना, तो हमारे भले के लिए ही रोके टोकेंगे। वो नहीं चाहेंगी कभी भी कि उनके बेटा का घर बर्बाद हो जावे या उनके बच्चे खुश ना रहे। कोई बाहर भी कुछ बोलेगी, हाँ ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, लेकिन मैं अपने बारे में बता रही हूँ आज जो मैंने फील करा है। कोई ना बाहर की औरत बोलेगी आके कि तेरे बहू ऐसे ऐसे, तो वो सुनेंगी नहीं सुनेंगी, क्यों चाहे वो अपने आप एक बात बोल लेंगी, धमका लेंगी, कुछ भी कह लेंगी, लेकिन वो बाहर वालों से एक शब्द ना सुनेंगी अपने। ये बात बिल्कुल सच है, ये हमने फील करा है कि एक सासू के बाद 100 सासू खड़ी हो जाती है। तो हमारे लिए वही, उससे तो अच्छा एक ही सही है। एक सही है, अगर आपके एक सासू ना है ना, तो 100 सासू खड़ी होगी, तू भी सासू, मैं भी सासू, यू कर रही है, गली में घूम रही है, फलाना कर रही है, यू कर रही है, और ना उड़ के ना जा रही, नू ना कर रही, यू ना कर रही। कोई भी है ना, ज्यादातर अपनी इनसे ही प्यार दिखा। कोई हमारे लिए वो थी, हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता जो हमें टाइम टाइम पे भी हमें याद आई है, टाइम टाइम पे उन्होंने हमारे लिए किया है। फिर कोई भी हमेशा उस टाइम पे जो भी हुआ हमारे साथ हुआ, फिर हमने मतलब दीदी ने मुझे संभाला, मैंने दीदी को संभाला, हमारे पापा हमारे साथ थे, हमारे ससुर जी हमारे साथ थे। तो लोगों ने यहाँ छोड़ दे और तुम्हारा इस घर पर राज चल जा, इनका घर बिगड़ जा, लेकिन उस टाइम पे आज भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं, आज बैठ गई जब मेरे पापा हमारे पापा जी ने उस टाइम पे मैंने बोला पापा जी ये बोला है ये कहा है, पापा जी ने बोला घर किसको है, तेरे बाप को घर है, तेरी माँ को घर है, तू किसके ऊपर घर छोड़ के जाएगी, किसके ऊपर तुम घर छोड़ोगे। पापा जी ये कह रहे मैं अपने बेटे उनके साथ हूँ, अपनी बेटी इनके साथ हूँ, अगर मेरी बेटी जब ये बोल उन्हें धमकाया जा रहा है उन्हें, अगर ये उनके लिए, मैं तो ये समझता हूँ ये उन्हें मार भी रही है, उन्हें धमका भी रही है ना, तो इनकी माँ है, अगर ये खिलाएंगी पिलाएंगी अरे डांटेंगी भी यही, डांटने के लिए ना कोई और नहीं आएगा, अगर ये कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं ना तो डांटेंगी भी यही। ये अधिकार हमारे ससुर ने हमारे पापा ने हमें दिया, उसके बाद सबकी चौच बंद होगी, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। रिश्तेदार बहुत सारे आए गए, बहुत सारी आती जाती है। और कैसे साथ हमारी जो शादी की जर्नी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, और आप बताना आपको कैसी लगी हमारी शादी की जर्नी, क्या हमने आपको सब कुछ अपना जो अपनी फैमिली समझकर आपके साथ शेयर किया, तो आपके साथ शेयर। और देखो बाकी तो लोगों की बातें हैं, ये तो चलती रहती है, इससे कोई वो नहीं, ये तो बात चलती रहती है जिंदगी के साथ है, ये तो जब तक जिंदगी है जब तक ये बातें हैं। जो झेलता है पता उसे ही होती है, दूसरा तो सिर्फ बात बना सकते हैं, ये तो ना कभी किसी को दुख कोई समझ पाए ना कोई समझेगा, जब खुद पर बीतेगी ना जब पता चलती है। अभी ये जो आज हमने आपके साथ बातें की सिर्फ हमारे ससुराल की जर्नी थी, जब हम आए और अब तक की ये जर्नी थी हमारी यहाँ पे, कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या किसके ताने सुने हमने, किसकी क्या क्या बातें सुनी, ये सिर्फ आज इस टॉपिक पर बात की। और आप लोग पूछते भी रहते हो कि आपकी सासू माँ कहाँ, सासू माँ की फैमिली में कौन कौन है, क्या मतलब, जो तो दीदी आप बताओ किसी दिन बताओ, सारी बातों के जो जवाब है आपको इस ब्लॉग में मिल जाएंगे। बहुत से ना सोचते हैं कि दूसरे का मतलब दुख समझ में नहीं आता, जैसे कोई वीडियो नहीं बनाती, कोई रोता नहीं है, तो हमें खुद भी ऐसे कभी सोशल मीडिया पर रोना कुछ भी अपने दुख की बात बतानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो तो आप सबकी मतलब इतनी सारी डिमांड थी इसलिए हमने बनाया। नहीं हम कभी भी सोशल मीडिया पर कभी रोना नहीं चाहते, कभी अपना दुख ऐसे जाहिर करना नहीं चाहते कि हम वहाँ पर रोके, मतलब किसी की वो नहीं बटोरना चाहते, नेहा का मतलब ये है। तो आप सब अपनी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, आप हमारी फैमिली, इसलिए आपके साथ हमने ये सारी बात शेयर करी। तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक और प्यारे से व्लॉग। और कैसे लगते हैं आपको हमारे व्लॉग, जल्दी जल्दी कमेंट करें करो फटाफट, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर, सब्सक्राइब जरूर कर और शेयर भी करें करो अपने। और बहुत सारी बहन मेरी, बहुत सारे भाई हैं जो मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू आप सबके लिए। एक भाई है जिन्होंने अभी हर व्लॉग देखते हैं, वो हमारा क्या नाम है उनका, वीडियो भी बना के भेजते हैं, वो एलईडी में चला लेते हैं और एलईडी में देखते हैं हमारे व्लॉग, साथ के साथ वीडियो बना के भेज देते हैं, थैंक यू भाई। अगली बार स्टोरी मेंशन करना, स्टोरी मेंशन करना फिर लगाएंगे हम। हाँ जी। और एक मेरी बहन है मनीषा भाटी, क्या नाम, मनीषा भाटी, जिया खारी, बहुत सारी बहन है, शालिनी दी, और शायद
कोई जो भी है ममता ममता करके कुछ है, बहुत सारे बहुत सारे सब्सक्राइबर सभी के लिए थैंक यू। अभी मुझे मेरे पास फोन नहीं है, नहीं मैं अभी आपको सबके नाम बताते जिनके बहुत ज्यादा कमेंट आते रहते हैं। दीदी बताओ, और शादी की जर्नी को लेके बहुत सारे आपके कमेंट आए, इसीलिए हम आपके लिए ये ब्लॉग लेके आए हैं। चल तो सो गाइस थैंक यू बाय।